कल तो यार बसंती ने एग नहीं दिया, तो यार ये देखो यहाँ पे फिलहाल तो कोई एग नहीं है, तो इनको बाहर निकालते हैं ऊपर वाली जगह पर, देखते हैं एग दिया कि अभी आज फिर छुट्टी है इसकी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा सब खैरियत से होंगे, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों यार आज फिर बसंती ने ना एग नहीं दिया, अभी तो सुबह का टाइम है, तो कल की तो छुट्टी कर गई थी, तो आज देखते हैं कि ये एग देती है या फिर रोक गई हुई है अपने अंडे। और यहाँ पे हम यार अपने ना पिजन को भी खोल देते हैं बाहर, आज ना हम इनको ना टोकरे के अंदर बंद करके खिलाएंगे, कल इन्होंने तो खाया ही नहीं, अंडा क्या देना इसने। अब यार पायलट को छोड़ दिया, उसको अभी नहीं छोड़ना हमने, क्योंकि टोकरा हमारा फ्री नहीं है। तो यार ये देखो पायलट के ना काफी ज्यादा खून जमा हुआ है यार, बाजरा इतने शौक से नहीं खा रहे, ये देखो पत्ती खाएंगे, ये देखें कितनी स्पीड से खा रहे हैं यार, शॉपर को तो ना खींचो, तुम लोगों की है। हमारे देखो स्टूडेंट बाजरा खाना शुरू हो गया, तो ये देखो अपना बाजरा छोड़ के ना इनमें से खा रहा है आगे। आतिफ के काम देखो यार, चिली मिली को छोड़ा नहीं है, इनको दाना सभी को दाना दे दिया और चिली मिली इसके अंदर है। तो आजा बाहर, बाहर आओ यार, क्या कर रहे हैं ये। और दोस्तों मैं ना इसको ले जाता हूँ बाहर, इसको ना यार हैंड फीड देते हैं। ये वाला बच्चा यार इतना कमजोर है ना, ये देखो ऐसे लग रहा है जैसे कोई चिड़िया पकड़ी है मैंने छोटी सी। हमारे ना चिंटू मिंटू का चारा खत्म हुआ गया, तो ये देखे मुंगरे पड़े थे जो घर वालों ने सही तरह से कट नहीं किए, तो यार इनको दे देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो ये देखो ये इतना बड़ा लेकर अभी भी खा रहा है दूसरे वाला, तो देखे यार मुंगरे खा रहे हैं। ऊपर में यार इनको मैंने रख दिए हुए हैं, क्योंकि ये नीचे गिर जाने, मुंगरे बरीक है तो जालियों से नीचे गिर जाने हैं। यार इन्होंने ना जितना खाना था वो खा लिया हुआ, अब नखरे कर रहे हैं, इनको छोड़ देते हैं बाहर और उसको लेकर आते हैं चीने को इसके अंदर। दोस्तों हमारी बसंती ना फाइनली खा पी के ना अपने केज के अंदर चली गई है, तो यहाँ पर देखें वो ऊपर बैठ गई है, इसका मतलब ये एग देगी आज। कुछ भाई कह रहे थे कि यार इसके ना बच्चे निकलवाना, हमने भी इसके बच्चे ही निकलवाने हैं, वो जो एग पहला टूटा था ना वो इसलिए हमने खा लिया था क्योंकि वो जाया हो गया था। अब जितने भी अंडे दे रही ना वो हम सेव करते जा रहे हैं, तो फिर इसको जब कुड़क होगी ना इसके नीचे रख देंगे। मुझे लगता है यार इनका ना पसंद नहीं है मुंगरे, काफी ज्यादा पड़े हैं, तो ये खाना बंद कर गए। तो यहाँ पर थोड़ी सी फीड पड़ी है इनकी, कहाँ पर गई आती भाई, खत्म हो गई यार, ये तो सारी खत्म हो गई है, अभी लेकर आते हैं। चलो यार हम ना इनकी फीड लेकर आते हैं, चलो फिलहाल अभी इससे गुजारा करो, ये मुझे पकड़ा दो, अगर तो खाना है तो यहाँ पे मैं गिरा देता हूँ, गिरा ही देता हूँ यार, ये खुद ही खा रहे हैं यहाँ पे, नहीं खा रहे यार। आज ना इनकी ट्रे भी साफ करते हैं यार, इनको ना चारा भी ला कर देते हैं। यहाँ पे यार कुछ पड़ा था, ये भी वेस्ट पड़ी थी सब्जी की, तो ये भी डाल देते हैं इनको, जो चीज इनको पसंद आए वो खा लें, तो अभी ना उसको फीड दे के फिर लेकर आते हैं हम। दोस्तों जो पिजन मैंने पकड़ा था ना यार, वो आप कह रहे थे कि सबसे अच्छा पिजन है, एक दो बंदों ने तो ये भी कहा जो आपके पास है ना पिजन उससे भी अच्छा है। तो यार जिसका पिजन था ना वो हमसे लेने आया था जब हमने कजन को दे दिया था, तो यार वो वाला पिजन, उसको हमने पूछा है कि वो कौन सी ब्रीड है, उसने कहा जंगली के साथ कोई व्हाइट कलर का, उसकी नस्ल का नहीं उसको पता, वो लगा था जिसमें से क्रॉस ब्रीड वो पैदा हुई है। तो आतिफ भाई ये पिजन की पहचान बताओ यार इसकी, ये छोटे वाले की, यार देखो यार ये छोटा सा है, सबसे बड़ी पहचान पता क्या है निशान भाई, ये देखें ये पून से बाहर जा रहे हैं, पर हाँ दुम से बाहर जा रहे हैं, या फिर दुम के बराबर, या दुम के बराबर हो या दुम जितने हो। तो यार इसका ना ये देखे पल्ला चेक करें, बाकी ना जो बड़े पिजन है ना वो अभी दाना खा रहे हैं, फिर आपको बताता हूँ कि सबसे अच्छा पिजन कौन सा होता है। यार मैं कोई शिकारी नहीं हूँ, जितना मुझे पता है वो मैं आपको बता दूंगा। चलो भाई यार शोर में जा रहे थे, बाहर आओ जल्दी से। तो यार एग दे दिया हुआ इसको, अभी इधर ही पड़ा रहने देते हैं, अभी अभी इसने ताजा अंडा दिया है, तो यहाँ वो टूटा तो नहीं है, नहीं टूटा नहीं है, इसको पड़ा रहने देते हैं 10-20 मिनट, फिर इसको उठाते हैं क्योंकि अभी ताजा अंडा है। यहाँ पर ना लड़ाई हो रही थी एक मुंगरे के पीछे, तो मैंने काफी ज्यादा यहाँ पे डाल दिया है, इन्होंने मारा है हमारे चिली मिली को, वो वहां पे भगा दिए हुए, और वो बसंती जो है ना वो इनको मार रही थी, एक ही मुंगरा यहाँ पर गिरा हुआ था उसको लेकर घूम रहे थे, तो ये देखो मेरी कमीज को फाड़ रहा है पीछे से, फिर मैंने मुंगरे ला के यहाँ पे गिरा ही दिए, तो यहाँ से और थोड़े से उठा लेते हैं, ये कम ही खा रहे हैं। तो ये देखो 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 लड़ाई हो गई, तो ये लो तुम लोग भी ले लो। तो यार जहाँ पे मैंने फेंकना है उसकी तरफ भागना है, दूसरे नहीं खाने इन्होंने। दोस्तों हम ना चिक्स के पर काटने लगे हैं स्टूडेंट के, तो यार काफी ज्यादा बड़े पर हो गए हैं, तो देखो यार ये ना इतनी तेज हवा चल रही है, ये इसके ऊपर ईंट भी रखी थी, ये नीचे गिर गया, तो इस वाले के देख काफी ज्यादा बड़े पर रहे हैं। इधर आओ इधर आओ इधर, इनसे ना चला नहीं सही तरह से जा रहा, पर काटने की वजह से ना इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। आतिफ भाई थोड़े थोड़े काट लें, इतने ठीक है या और काट दो, और थोड़े से काट दो, बस ठीक है छोड़ दो। देखिए इस वाले के ना पर काट रही है, देखो
अब कितनी स्पीड से भाग रहा है। इसने देखे कैसे अपने पर गिरा हुए हैं, ये जो पानी पी रहा है ना, ये देखो इतना इनका वजन नहीं है जितना परों का हुआ पड़ा है। तो ये देखो कैसे चल रहा है। आदि भाई इसको पकड़ना, बाकियों के पर ठीक है यार, सिर्फ और सिर्फ एक इसके हैं और जिसके हमने काट दिए ना एक उसके थे, बाकी सभी के ठीक है। दोस्तों हमने केज में यार कुर्सियां सेट कर ली हैं, केज में बैठे हुए हैं तो यार भाई बहुत ज्यादा गर्मी है ये कि हम केज में बैठे हुए हैं। तो यार अब ना मैं आपको पिजन दिखाता हूँ अपने, जो सबसे अच्छे वाले पिजन है। अब लोगों ने ना मेरा दिल दुखाया कि आपने कहा कि आपके पास अच्छे पिजन नहीं है, तो आतिफ भाई यार थोड़ा सा पिजन का शौक करवाओ यार जल्दी से। ये देखे यार, तो यार ये ऊंची का पिजन है, यहाँ पर देखिए यहाँ चेक कर ले, और यहाँ पे आतिफ भाई इसका पल्ला दिखाना, ये देखे। तो यहाँ पे देखे 200 कबूतर का ना आपने साइज देखना है, ठीक है। यहाँ पे ना कबूतर का आप साइज देखें, काफी बड़ा है यार शान भाई। और यहाँ पे देखें, आग चेक करें, ये प्योर इंडियन पिजन है यार, जो बाजियां लगाता है ना। यहाँ पे एक डॉक्टर था वो मर गया हुआ, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, ये उसका पिजन था, ठीक है। ये हमारे पास आ गया और मैं इसकी मादी दिखाता हूँ आपको। असल में ना दूर से पिजन दिखाई नहीं देता, तो यहाँ पर देखें इसकी मादी का शौक करें आप। तो यार ये देखें मादी भी हमने काट के रखी हुई है 201, ये मैंने मादी पकड़ी है। तो यार साइज आपने देखना है एक बार पिजन का, बाद में आपको बताता हूँ निशानी है क्या है, ठीक है इसकी। तो ये भी प्योर वाइट आंख वाली है, ये देखें इसका पल्ला। तो यार देखें 200, ये जो पिजन है ना, ये जितने भी हमारे पास पड़े हैं ज्यादातर हमारे पास जोनसिन है यार। इसकी आंख देखे एक बार आप, आंख देख ले यार, जो बंदे को पता ना पिजन का उसको पता हो सकता है कि पिजन किस कैटेगरी का है। तो यार इसके तो हमने सारे कटे हुए हैं, ये देखो इसका भी साइज देख लें आप। और 200 ये वाला हमारा जोन सिरा है, ऑरेंज आंख में है, ये देखें। तो यार ये देखें इसका साइज देख, तो ये देखें इसका पल्ला। तो यार ये एक और जोन सिरा हमारे पास सेम टू सेम उसी तरह का, ये देखें इसको येलो छल्ला डला हुआ है, और इसकी दुम चेक करें देखें बंद दुम में। और यहाँ पे आपको मैं इसका शौक करवा तो पल्ले का, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ ब्रीडर है, ठीक है ना। अभी इसकी आग में दिखाता हूँ, ये देख। और 200 ये वाला जो है ना, ये जंगली नहीं है, ये वैसे जंगली जैसी शेप है इसकी, ये अच्छे वाला कबूतर है यार। ये भी ऑरेंज आंख में है, तो इसका साइज चेक करें। और ये देखे 200, मैंने आपको पिजन दिखा दिए हैं, ये अभी दो नहीं दिखाया, ये भी ऑरेंज आंख में है, ये नीचे बैठा है, ये व्हाइट आंख में है। इनका मैंने आपको शो करवा दिया है सभी का, तो अब मैं आपको पहचान बताता हूँ अच्छा कबूतर कौन सा होता है और मेरे की उड़ जाते हैं। 200 हम आ गए कहीं से बाहर, तो यार ये देखो कहाँ पर एक रैबिट वो पीछे बैठा हुआ है, और वहां पर देखे कैसे बैठे हुए हैं। पायलट के काम देखो, पायलट कहाँ पे है वो देखो पायलट। अच्छा तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है भाई साहब, पायलट भी इसके अंदर आ गया। सबसे पहले अकल जरूरी होती है यार, पिजन में अकल होनी चाहिए, जिसमें अकल होती है ना वही घर वापस आता है। एक एक उसकी ट्रेनिंग सही होनी चाहिए यार, जहाँ पे बिल्ली डरा देना इनको, तो जब बिल्ली आ जाए अगले दिन उन्होंने डरना ही होता है, उसमें से एक ना आधा भागना ही होता है। अगर ये सारे सर होते इनको बाहर निकालते ये सभी उड़ जाने। और यार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता यार, इतनी केयर नहीं होती, जो हमारे पिजन जो है ना भाग जाते हैं यार, कभी उनको छतरी पे बिठा लिया कभी ना बिठाया, तो कोई ऐसा ही सीन है यार। सिर्फ उसे दो निशानियां आपको बतानी है, दो या तीन निशानियां बतानी है। एक तो पिजन यार खा पी के बारह ना हो, अगर बारह होगा जो हमने पकड़ा था वो बहुत ज्यादा भारी था, ठीक है, वो इतनी ज्यादा फ्लाई नहीं करेगा। एक तो यार ये कलियां जो है ना इसकी, ये पल्ला जो है ना ये ऐसे आप करेंगे ना, ये वाली कट्ठी हो जानी चाहिए ऐसे, एक कली बन जाए, एक कली बन जाए, तो ये कट्ठी नहीं हो रही है, देखो खुल गई है ना, खुल गई। दूसरे पिजन की मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। एक दुम बंद होनी चाहिए, ठीक है, और दुम बाद में खोले ना, अगर तो खोले तो अभी कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन दुम बंद होनी चाहिए इसकी। एक इसकी हड्डी यार सख्त होनी चाहिए, जिसकी हड्डी सख्त होगी ना, जो हमने पकड़ा उसकी नरम थी, जिसकी हड्डी सख्त होगी ना, जोर सख्त होंगे, वो बहुत ज्यादा गर्मी में उड़ेगा, बहुत ही ज्यादा उड़ेगा। हमारा जग्गू यार 3 से 4 घंटे अभी फ्लाई कर लेता है, जिनका साइज मैटर करता है और भी काफी ज्यादा यार इसकी है। आपने कहना यार शिकारपुर में पड़ गया, तो यार सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ी सी ना थोड़ा सा बस सिर्फ और सिर्फ देना था, क्योंकि कुछ भाई ने मेरा दिल दुखाया यार, आप लोगों ने कहा कि आपके पास अच्छे पिजन नहीं है। तो ये देखो अब इसकी कली देखो, जुड़ गई है ना, एक बन गई है, एक बन गई है, तो ये देखो बन गई है ना, बन गई। और एक इसका यहाँ पे मांस नहीं इतना ज्यादा होना चाहिए, हल्का पल्ला होना चाहिए, देखो कितना ज्यादा हल्का है, ये बहुत ज्यादा हाई फ्लाइंग करेगा, इसका जोड़ बहुत ज्यादा सख्त है, अभी बच्चा है यार, इतनी ज्यादा हड्डी सख्त है ना इसकी, और ये जोड़ भी बहुत ज्यादा सख्त है, ये बहुत ज्यादा हाई फ्लाइंग करेगा यार। 200 यहाँ पर क्या चल रहा है, ये देखे ये लड़ भी नहीं रहे दोनों, और देखो इनके काम देखो यार, ये क्या किया उन्होंने डब्बे का, और डब्बे का हाल देखो क्या कर दिया उन्होंने, बड़े मजे से खा रहे हैं ये यार, सारा खा लिया हुआ इन्होंने। अब मैंने यार उठा के ऊपर रख दिया हुआ है,
ये तो ऐसे ही खत्म कर देंगे। हमने ना बसंती और गब्बर का बाहर ही छोड़ा हुआ, इस वजह से कि अंडा अंदर पड़ा था, हमने उठाया नहीं था, तो अब हम अंडा निकाल लेते हैं ताकि ये अंदर भी जाना चाहे तो चले जाएं। यहाँ पर देखना छांव खत्म हो चुकी है तो ये अंदर भी बैठ सकते हैं। मुझे लग रहा है यार बहुत ही कमाल के बच्चे निकलने वाले हैं। अंडों की शेप चेक करें, और ये जो मुर्गा है ना ज्यादातर व्हाइट बच्चे निकालता है, तो अब देखते हैं ये व्हाइट प्योर निकालेगा कि कौन से निकालता है। और यहाँ पर देखें एग पड़े हुए हैं, तो ये आती भाई ये पकड़ना, ये राम से पकड़ वाले किसके है? ये डक के है, ये देखो यार डक का अंडा एक है और ये तीन हो गए इसके। ये कोली बाई निकाल लो ना, प्लास्टिक वाले डब्बे में डाल लो सारे अंडे। अंडे मैंने डाल लिए हुए यहाँ पर, ये देखे ये तीन डक के अंडे, एक दो तीन, ये तीन अंडे है ना, ये इसका कलर चेंज है, ये दो व्हाइट है, ये टूटा भी हो गया थोड़ा सा, ये देखो ये टूटा अंडा उसने दे दिया हमें, ये देखो चल जाएगा, इतना ज्यादा नहीं टूटा, यहाँ पे ना मोम लगानी पड़ेगी हमें, ये देखो ना कैसे रख देंगे यार, कुछ नहीं होगा, टूटा है इसने, वैसे मोम लगानी पड़ेगी तो कम मुर्गी ने जब ऊपर बैठना ये टूट जाएगा। और तीन अंडे डक के हैं, तीन अंडे हमारी बसंती के हो गए हैं, तो यार पता नहीं है हमसे ये अंडा टूटा है या फिर जिससे हमने लिया है उससे टूटा है, हमने भी देखा नहीं है। तो इसके ऊपर हमें मोमबत्ती की मोम लगानी पड़ेगी जब इसको हमने कुड़क करना है मुर्गी को, तो इसको अब मैं फ्रिज में रख के रहता हूँ। यार आती भाई सिल्कियों को छोड़ो, इनका क्या कसूर है, इनको भी छोड़ दो, तो यार इनको भी खोल देते हैं तो आगे ये भी घूमे यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे देखे मैं ये गाजरों के पत्ते लेकर आया हूँ हम सायों से, यार वो लेकर आए थे चारा अपनी भैंसों के लिए, तो यार हमारे पास ना जा नहीं हुआ हमसे, तो यार इनको ये वाले देते हैं उतनी दिन में, तो ये गाजरों के आती भाई खा लेंगे यार, खा लेंगे हाँ सुबह यार इनके लिए ना गाजरें भी लेकर आते हैं, और गांव में जाके ना इनके लिए चारा और लेकर आते हैं, ये खा रहे हैं यार शौक से खाते हैं। इसकी यार हम फीड बढ़ाने लगे हैं, इसको तीन टाइम दिया करना हमने खाना ताकि यार ये जल्दी जल्दी से ना हेल्दी हो जाए। बाद आ जाओ यार पहले चारा नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, अंदर दे देते हैं यार इन्होंने, ये तो सारा खत्म कर देना अभी, चलो अंदर जाके खाओ, अंदर रख दिया चारा मैंने। यार तरपाल लगाना ना जरूरी है यार, देखे सारे एक साइड पे चले गए जिस जगह पे छाव है। तो यार आज की वीडियो ये खत्म करते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कर दे, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।